दिल्ली में सीए के विरोध को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच उस समय अफरा तफरी का आलम बन गया जब एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली के हेड कांस्टेबल पर गोली दाग दी। हेड कांस्टेबल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं गोली दागने वाले युवक का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सीए और एनआरसी को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे शाहीन बाग हो या फिर दिल्ली के कई और इलाके। ऐसा ही एक प्रदर्शन दिल्ली के मौजपुर में हुआ, जहां पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। हिंसा भी ऐसी कि भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव और फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए। मौजपुर की हिंसा में एक हेड कांस्टेबल को गोली लगी, जिसके बाद इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। मौजपुर की हिंसा का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक हाथ में बंदूक लेकर हेड कांस्टेबल की तरफ बढ़ता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि हेड कांस्टेबल को ये युवक रुकने का इशारा करता है और हेड कांस्टेबल के नजदीक पहुंचकर उसे गोली मार देता है। हेड कांस्टेबल की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा, करावल नगर में तनाव की स्थिति बन गई और शाम होते होते एक आम नागरिक की जिंदगी भी इस प्रदर्शन की भेंट चढ़ गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़की हिंसा पर होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पर्याप्त बल मौके पर है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में सीए को लेकर कई जगह पर रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों के बीच हेड कांस्टेबल पर गोली दाग कर यह साफ हो गया है कि इन प्रदर्शनों के बीच अब कुछ असामाजिक और शरारती तत्व हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं।